चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपने सख्त व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। आपने उनके बारे में ऐसे बहुत से किस्से सुने होंगे जब वो कोर्ट में वकीलों को फटकार लगा रहे हों। लेकिन इस समय सोशल मीडिया में कुछ फोटोज और वीडियोस की खूब चर्चा हो रही है, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ के एक नरम व्यवहार की झलक दिख रही है। हमेशा सख्त और गुस्से में नजर आने वाले डीवाई चंद्रचूड़ की इन तस्वीरों की खूब तारीफ की जा रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में खाना बनाने वाली की बेटी प्रज्ञा को अमेरिका में दो यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करने के लिए 41 लाख की स्कॉलरशिप मिली है, जिसको लेकर कल यानी 13 मार्च को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों ने मिलकर एक कार्यक्रम रखा, जिसमें उन्होंने प्रज्ञा और उनके माता पिता को सम्मानित किया। साथ ही चीफ जस्टिस ने प्रज्ञा को एक किताब भी गिफ्ट की, जिसे देखकर वो भावुक हो गई। वैसे तो चीफ जस्टिस बहुत ही कम कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में वह ना सिर्फ शामिल हुए बल्कि कुक और उनकी फैमिली के साथ समय भी बिताया। वहीं चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपने लिए गए फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। चंद्रचूड़ 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और 8 नवंबर 2022 को वे देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। उन्होंने क्रिमिनल केस, सिविल केस और संविधान से जुड़े कई मामलों पर फैसले सुनाए हैं। राम जन्मभूमि मामले में भी फैसला सुनाने वाली बेंच में डीवाई चंद्रचूड़ शामिल थे। साल 2019 में भी सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश के मामले में भी डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाया था। वहीं जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले पर भी डीवाई चंद्रचूड़ शामिल थे। साथ ही हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी डीवाई चंद्रचूड़ ने जजमेंट दी है। ऐसी खबरों में जुड़े रहने के लिए देखते रहे सुरमई टाइम्स। मैं थी आपके साथ कुमुद मिश्रा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।